नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज न्यूज। आइए सीधा रुख करते हैं खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे चित्रकूट से है, जहां दो जुड़वा भाइयों के अपहरण फिर 13 दिन बाद हत्या के मामले में सोमवार को समूचे प्रदेश में बवाल मचा रहा। प्रियांश और श्रेयांश की हत्या के विरोध में सतना शहर में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मौन जुलूस निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही प्रदेश भाजपा के आह्वान पर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में भाजपा व युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एसपी सहित कलेक्टर को ज्ञापन सौंप मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस्तीफे की मांग की। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में गुंडा राज बढ़ते जा रहा है, ऐसे सरकार के मुखिया को यानी मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस्तीफा देना चाहिए। बच्चों की सुरक्षा का विषय है और जनता की भी सुरक्षा का विषय है। इस मामले को दलगत राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए और इस पूरे घटनाक्रम में मैं प्रदेश की सरकार से और मुख्यमंत्री से भी यह आग्रह करूंगा कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। अपहरण हुआ, नगर में हुआ, सरेआम हुआ, बस में से उतार के बच्चों को ले गए, उसके बाद भी हम बच्चों को ढूंढ नहीं पाए, अपहरणकर्ता को पकड़ नहीं पाए।